सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास नाइन्थ में भी ये क्वेश्चन था, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है व्याख्या कीजिए। इसका जो आंसर होता है वो इस प्रकार से हैं, इट इज ए सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी दैन रिक्वायर्ड, द पीपल हु आर एक्चुअली एंगेज इन सच एन एक्टिविटी to be employed but are not fully employed। यह एक परिस्थिति है जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक काम कर रहे होते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, यानी इसमें जितनी ज़रूरत होती है उस रिक्वायर से ज़्यादा काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें, फॉर एग्जांपल, इफ़ फॉर द कल्टीवेशन ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड 10 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड बट इंस्टेड ऑफ 10 वर्कर्स 15 वर्कर्स आर वर्किंग, इन दिस केस 5 वर्कर आर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। In such cases, even if the surplus workers are removed, the production will not suffer। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 10 श्रमिकों की ज़रूरत होती है वहाँ पर 15 लोग काम करते हैं, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिनकी जो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो दिखाई नहीं देती है अथवा छिपे हुए हैं। वे मजदूर अगर हटा भी लिए जाए उसमें से तब भी उस कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली फॉर इन एग्रीकल्चर। ये इस टाइप का डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही पाया जाता है, यानी खेती में ही ये खुली बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। फोर्थ पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज वर्कर्स परफॉर्म बिलो देयर प्रोडक्टिविटी लेवल। इस प्रकार की बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहा गया है, क्योंकि मजदूर अपनी उत्पादकता से नीचे रह कर के कार्य करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ये डिफरेंस है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुली बेरोजगारी और कौन सी बेरोजगारी, खुली और डिसगाइड यानी प्रच्छन्न बेरोजगार, इन दोनों में अंतर हैं। और दोनों में जो पहला पॉइंट है, अंडर दिस द वर्कर इज रेडी टू वर्क बट ही इज अनेबल टू फाइंड एनी वर्क। इसके अंतर्गत अगर एक श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं परंतु उसे काम नहीं मिलता है, अंडर दिस द वर्कर इज वर्किंग बट इफ ही इज रिमूव द प्रोडक्शन डज नॉट फेल। इसके अंतर्गत श्रमिक काम करते हैं परंतु यदि उसे हटा भी लिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। सेकेंड, इट कैन ऑक्योर इन एनी सेक्टर, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये इट ऑक्योर्स मेनली इन एग्रीकल्चर, ये केवल कृषि में दिखाई देता है या कृषि में ही होता है, यानी खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों में अंतर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, जो बोर्ड में आते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।